Pero contado también el que hay para que le dejan Zoma Marco Zabidara de Jamaat Islami Zinda Garbi Sabe Mimbar Subay Assembly Mohtaram Hamidullah Khan Sahab Mohtaram Mohammad Zahid Khan Sahab Sabe Mimbar Qaumi Assembly मेरे इंतहाई काबिल इत्तेराम वाजिब इत्तेराम और मेरे इंतहाई मोहतरम नौजवानों और दोस्तों और सबसे पहले मैं आज के अधिवेशन जलसे आम में जिला गर्मी के अतराब से कराची मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह केवाड़ी से लेकर के दड़ाब के कदीम पोर्टल तक बंदरगाह और उनका साइट टाउन के आवाम का शुक्रगुजार हूँ। आज बनारस चौक पर तमाम जबाने बोलने वाले मुख्तलिफ जमात इस्लामी और हमारे रहनुमाओं की आपसे शिकायत की। आज आपने बनारस चौक के अंदर देखा कितना मुखरी नजर और बनारस चौक के अतराब जलसगा की जगह कम पड़ गई है, लेकिन मैं आवाम से कहता हूँ कि शहरों में तंगी पैदा न करें। आज के इस जलसे आम में हमारे पेशरों मुकर्रीन ने जिन मसाइल का जिक्र किया, अमन अमान का जिक्र किया, लोड शेडिंग और गैस की लोड शेडिंग का जिक्र किया, बनारस के अतराब की सड़कों का जिक्र किया, मैं इस मौके पर बनारस चौक पर मौजूद तमाम तेल वालों का बनारस चौक की तमाम दुकानदार का इस्तेमाल भी किया। वो यहाँ के मेजबान है, यही तो हम कहते थे कि कराची सबका कराची है। और आज भी मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहता हूँ कि कराची किसी एक या दो लिसानी या सियासी जमातों का शहर नहीं है। जिस तरह आपने देखा अभी भी चारों तरफ से जिला जुलूसों की
کی دو ہر طبقے کے لوگ یہاں پر موجود ہیں. ایک انقلابی تبدیلی کی ریس جس طرح عرب ممالک میں ہوا چلی ہے. یہ میڈیا والوں سے میں کہہ رہا ہوں ابھی نہیں لگے جس کے بارے میں لوگ بتاتے تھے کہ یہاں طاقت کلنگ، یہاں تکبری، یہاں بدنامی اور یہاں پر دل جلائیں گے. میں آپ کے توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کو اور ملک کو موجودہ حکومت کی مفاہمانہ پالیسی نے شدید نقصان پہنچایا ہے اور یہ جو جتنے جرائم ہیں ضلع ستائے ہوئے نوجوانوں کو اور کارکنوں سے بھی کہتا ہوں کہ تبدیلی کے لیے